हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में? हीट स्ट्रेस के बारे में। तो हीट इलनेस, इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, हीट स्ट्रेस से क्या हो सकता है, यानी कि हीट स्ट्रोक हो सकता है भाई। गर्म लगेगा तो आदमी को क्या है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, और हीट स्ट्रोक हो गया तो आदमी फिर क्या है, मतलब स्ट्रोक मतलब एकदम से भाई दौड़ा जैसा पड़ जाता है, है ना। तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या आ जाते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे हम गर्मी में काम कर रहे हैं, अधिक टेम्परेचर, ये इसका रिस्क फैक्टर है। क्या है ये? रिस्क फैक्टर। अधिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब उमस एक तरह से होती है ना, हवा बंद हो गई, एकदम से हवा बंद है, उमस हो रही है, तो ये उमस बॉडी के टेम्परेचर को बाहर, मतलब हमारे पानी को बाहर निकाल देती है पसीना में, ठीक है, और हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो इसलिए ये भी एक इसका रिस्क फैक्टर है। दूसरा क्या है, हम डायरेक्ट सूर्य की किरणों के नीचे काम करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर आती है ना, तो उससे क्या है, बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद में हवा कम चलती है, जैसे अभी बताया था हवा का कम चलना, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में है, हम कोई काम कर रहे हैं हैवी फिजिकल वर्क, जैसे भाई ये बाउंड्री वॉल का हम ये लेके जा रहे हैं पटिया पत्थर कॉलम उठा के, ये भारी काम है ना जी सर। तो भारी काम में तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी लगती है, और ज़्यादा एनर्जी काम में लगेगी तो एनर्जी उसको फिर चाहिए शरीर को जी। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है इसका। फिर है उसके बाद में आपका कोई भी मतलब एक वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, मतलब हॉट वर्क जिसको बोलते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर है। एक तो गर्मी है, ऊपर से फिर हम लोग जो है हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से गर्माहट आ रही है, ये भी इसका रिस्क फैक्टर है हीट स्ट्रेस का, ठीक है। उसके बाद में आदमी काम में लगा रहता है, कम पानी पी पाता है, कारण ये है कि पानी उसके नज़दीक नहीं है, पानी एक खेत की दूरी पर है, दो खेत की दूरी पर है, कारण ये है, तो उसको पानी नज़दीक होने से तो पानी ज़्यादा पिएगा और वो हरकस कर जाता है, इसीलिए हम जगह जगह आपको पानी रखवा रहे हैं, है ना, टंकियों में जगह जगह पीने के लिए, यही कारण है, ये रिस्क फैक्टर है कि हम कम पानी पीते हैं, तो ये भी हीट स्ट्रेस का एक रिस्क।